जय जोहार, स्वागत है आप मन के स्वरमई टाइम्स में। दिन भर के बड़े और महत्ता के खबर के संग मैं लक्ष्मीकांत दुबे। अब एक नजर आज के हेडलाइन में। अडाड़ी ग्रुप हा करीस एनडीटीवी ला टेक ओवर, चुनाव आयोग हा बढ़ाई मुख्यमंत्री के मुश्किल, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हा दिस इस्तीफा। अडाड़ी ग्रुप हा न्यू दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड एनडीटीवी मा 29% हिस्सेदारी खरीद ले है। एकर बाद समूह हा कहिस कि वो एक ओपन ऑफर भी लॉन्च करही ताकि 26% हिस्सेदारी और खरीदी करे जा सके। हालांकि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड सेबी ला भेजे नोटिस में एनडीटीवी हा कहे है कि अधिग्रहण के जानकारी ओला नहीं दे गे रहीस। ओमन दावा करी कि ओकर संस्थापक प्रणय राय और राधिका राय ले ए बारे में ना तो कोनो बातचीत हो रही, ना ही ओकर सहमति ले गे रहीस। आप मन के जानकारी खातिर बता देवन कि राय दंपत्ति के एनडीटीवी में 32.26% हिस्सेदारी हावे। एनडीटीवी है एक बयान में कहीं कि वो व्यक्तिगत रूप ले और अपन कंपनी आरआरपीआर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम ले एनडीटीवी के कुल चुकता शेयर पूंजी के 61.45% रखना जारी रखते हैं। एकर संग ही ओमन कहीं कि हमन पत्रकारिता में कभी कोनो समझौता नहीं करे हन, हमन आज भी वही पत्रकारिता के संग गर्व ले खड़े हन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किल एक बार फिर ले बढ़ सकते हैं। आप मन की जानकारी खातिर बता देवन, चुनाव आयोग हा सीएम हेमंत के लाभ के पद में होए के आरोप ऊपर अपन राय राज्यपाल ला भेज दे है। जेकर बाद राज्यपाल चुनाव आयोग के सिफारिश में सीएम हेमंत के सदस्यता भी रद्द कर सकते हैं, जे वजह ले उनकर विधानसभा सदस्यता ऊपर खतरा मंडराय लगे है। चुनाव आयोग हा मुख्यमंत्री सोरेन के अवैध खनन मामला से तारजुड़ होए के आरोप के बाद ये बड़े कदम उठाए है। आप मन ला बता देवन कि मामला ला लेके चुनाव आयोग हा जांच भी करे रहीस, फिर संविधान के अनुच्छेद 192 के तहत कोनो सदस्य ला आयोग ठहराए के मामला में अंतिम निर्णय राज्यपाल ला लेना रहते। देश के सबले जुन्ना पार्टी कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता जयवीर शेरगिल हा अपन पद ले इस्तीफा दे दे। जानकारी खातिर बता देवन कि राहुल गांधी के युवा टीम के साथी माने जाने वाला जयवीर शेरगिल पार्टी ऊपर कई तरह के आरोप लगावत अपन इस्तीफा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ला भेज दे। ओमन अपन त्याग पत्र में कहीं कि मोला एक हद बहुत दुख होते कि पार्टी के निर्णय लेना अब जनता और देश के हित के लिए नहीं है। जेकर बाद ओमन अपन बात ला साफ कर कहीं कि मैं इस्तीफा दो कारण से देवा था, आज कांग्रेस पार्टी के निर्णय जनहित में नहीं कुछ लोगन मन के हित में ले जावा थे। एकर संग ही ओमन सोनिया गांधी ला लिखे पत्र में कहीं कि पार्टी में उनला नजरअंदाज करे जावा थे, काबर की कर पहली हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव ले पहली उनला बैठक और फैसला मन में शामिल नहीं किए गए। देश प्रदेश के जम्मो बड़े और महत्ता के खबर ले जुड़े रहे खातिर हमार चैनल ला लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो और तुरते तुरंत खबर ला पाए खातिर बेल आइकन दबाना मत भूलो। जय जोहार।